ये आठवां अजूबा आपको देखने को गांव में नहीं मिलता होगा अक्सर, और ऐसी अजूबा इस लक्ष्मीपुर गांव में आएंगे। नजदीक से दिखा दीजिए भैया, जूम करके, यहां से और वहां तक पूरा एकदम युवा है। और थोड़ा सा इधर कैमरे को टर्न कर दीजिए, युवाओं से पूछेंगे शायद जवाब नहीं मिलेगा। देखिए भाग रहे हैं, ऐसे ही लोग जब भागते हैं तो प्रधान जी क्या करेंगे, ऐसे लोगों को चुतिया बनाएंगे, वोट मांगेंगे, उसके बाद 5 साल ऐसे ही डुबोएंगे। ये रोड बना है, इस पे पानी का व्यवस्था कर दिया गया है, स्विमिंग पूल का। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा कहाँ लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है। कोई भी आदमी आता दूसरे गांव से तो वो भी गाली देता है। अच्छा, वो भी बोलता है कि बहनचोद कैसा लोग है, गांव का कैसा लोग है, प्रधान कैसा है, कैसा, मतलब कुछ इसका सुनवाई नहीं है। दूसरे गांव के लोग आते हैं तो गाली देता है, वो भी इनाम के रूप में। हाँ, इनाम के रूप में प्रधान को भी, हम लोग गाँव घर जाते हैं, कपड़ा वपड़ा तो खराब हो जाता है जी, पूरा खराब हो जाता है। देखिए आपके सामने हम लोग है, बस यही प्रॉब्लम है, बनवा नहीं रहे अभी। देखिए सब, ये सब देखिए, वोट दिए थे, वोट भी दिए थे, हर चीज करके जिताए भी हैं उनको। अच्छा, हाँ जिताए हैं, जीतने का नतीजा ही मतलब बढ़िया, यही नतीजा है। स्विमिंग पूल बन गया, स्विमिंग पूल बना दिया गया है, नहाते वहाते जाइए एकदम, बैठा दिया है, इतना बड़ा बड़ा बोमा लगा दिया, किधर पानी निकालने कोई व्यवस्था नहीं किया प्रधान ने, कहीं कहीं स्लेपर टूट गया, टूट गया है कहीं कहीं, तो इसलिए का घोटाला किया गया है। अरे लगता तो वही है ना, तभी तो ऐसा है ना, जहाँ जहाँ पानी निकासी था बांधने के लिए वो सब बंद हुआ है। हाँ। प्रधान इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये सब गांव का पानी गांव में ला रहा है। कुशीनगर जनपद के मोतीचक ब्लॉक अंतर्गत लक्ष्मीपुर जो है राम कटोरी ग्राम सभा में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैं आपको देश का आठवां अजूबा दिखाने वाला हूँ। आठवां अजूबा नाम सुनकर के चौंकिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी मकानें दिख रही हैं और यहाँ पर छोटे छोटे दुकानें दिख रही हैं और घर, छोटे छोटे लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और आठवां अजूबा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आठवां अजूबा आपको देखने को गांव में नहीं मिलता होगा अक्सर, और ऐसी अजूबा इस लक्ष्मीपुर गाँव में आएंगे तो देखने को मिल जाएगा। यहाँ टिकट उकट नहीं लग रहा है और न ही यहाँ पर रुपये पैसे लग रहे हैं। और ये जो आठवां अजूबा आपको दिखा रहा हूँ ना, थोड़ा सा इसको नज़दीक से दिखा दीजिए भैया, जूम करके, यहाँ से और वहाँ तक पूरा एकदम जलाजल है। इसमें आते हैं एकदम लोग तुम्बड़िया मारते हुए आते हैं, जैसे लगता है मछली उछली मार के और निकले हो और घर जाते हैं, एकदम सूट बूट चढ़ा के जाते हैं लोग, घर जाते हैं तो धुलवाना पड़ता है। घर के लोग मेहरारू वरारू सब मारती हैं, सब कहते हैं सब कहाँ से मछली मार के आ रहे हो। और इधर थोड़ा सा आ जाइए, लगभग यहाँ से 40 से 50 मीटर जो है पूरा ये खराब है। और आगे भी बढ़ेंगे तो आगे जो है सीवर जो है नाली का, वो सीवर ऊंचा रख दिया गया, ना इंटरलॉकिंग कराया गया, ना ही उसको उस सुव्यवस्थित ढंग से जो है कि इस पानी का निकासी का कार्य किया गया कि पानी निकल जाए गांव से बाहर और कहीं पर इसको ड्रॉप कर दिया जाए पानी को। और ये पानी इसी गांव में सड़ा जो है पानी इस गांव में रहता है, लोगों के घरों में जाता है। बारिश का पानी जो होता है जब उबाल मारता है तो लोगों के घरों में जाता है, और लोग खाना भी नहीं खा पाते हैं सही ढंग से। लोग कहते हैं काफ़ी बदबू करता है। लोगों से हम जानेंगे कि आखिर ये कितने दिनों से है, क्या नाम है? मैं तो बाहर रहता हूँ, हमको तो पता नहीं है। यहाँ डर रहे हैं क्या प्रधान? नहीं नहीं, हम प्रॉपर जो यहाँ पे रहते हैं वो लोग से पूछिए। अच्छा, कि क्या होता है क्या नहीं। हम ये तो बाहर दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है। कितना दिन हो गया आपको आए बाहर से? अभी हमको आए 1 महीना हुआ। 1 महीना में कभी इधर से आए गए हैं? हाँ आते हैं, डेली आते जाते। कितना अच्छा लगता है? बहुत खराब लगता है। अच्छा क्यों? अच्छा थोड़ी लगता है, बहुत बेकार। वही पूछ रहे हैं कि अच्छा लगता है कि बेकार लगता है? बेकार लगता है। प्रधान जी से कभी पूछे आप लोग कि प्रधान जी इसको बनवा दीजिए? हाँ, प्रधान जी से बोले हैं तो बोलते हैं कि अब 2-4 दिन में बन जाएगा। 10 दिन आते जाते हैं कि नहीं प्रधान जी? प्रधान जी नहीं आते हैं, वो एक मतलब वो क्या नाम है, हरिंदर बाबा है, वही उन्हीं से बोला गया है, तो बोल रहे थे कि 10 दिन में बन जाएगा, 2-4 दिन 10 दिन में बन जाएगा, ऐसा बोले हम। ये 1.5 साल 2 साल से बन रहा है, 10 दिन में बन जाएगा। जरा सोचिए, प्रधान जी के लोगों से पूछा जाता है तो प्रधान जी कहते हैं कि 10 दिन में बन जाएगा। चाची कितना दिन से खराब है रोड? हमको मन नहीं पड़ता। मैंने तो ढेर दिन से खराब है। जाना था ना। अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर और लोग हैं, और यहाँ पर जो है कि अभी ये भैया मोटरसाइकिल से आए हैं, कैसा लगा है इधर से आए? अरे बहुत खराब लगा भैया। बहुत अच्छा, विजुअल में दिखा देंगे आपको कि कैसे आए हैं मड़िया मारते जी। दिखाइएगा और सबको बताइएगा, अभी देखिए क्या हालत हुआ है गांव का और कितना परेशानी। कौन? क्या नाम है आपका? बबलू गुप्ता। बबलू गुप्ता जी, गुप्ता जी इधर से आते हैं और घर जाते हैं, कपड़ा वपड़ा तो खराब हो जाता है जी, पूरा खराब हो जाता है। देखिए आपके सामने हम लोग है, बस यही प्रॉब्लम है, बनवा नहीं रहे अभी। देखिए सब, ये सब देखिए, वोट दिए थे, वोट भी दिए थे, हर चीज करके जिताए भी हैं उनको। अच्छा, हाँ
जीता है, जीतने का नतीजा ही मतलब बढ़िया यही नतीजा है, स्विमिंग पूल बन गया, स्विमिंग पूल बना दिया गया है, नहाते वहाते जाइए एकदम मस्त मौला होके। वो तो कहिए घर पे व्यवस्था हो रहा है काम, नहीं तो साला रोज लफड़ा होता था, ऐसा काम रहेगा तो कैसे चलेगा बोलिए। हाँ तो का जरा सोचिए, कह रहे हैं ऐसे होगा काम तो कैसे चलेगा। प्रधान जी तो अजूबा है अपने आप में, क्या नाम है? हितेश चौहान। ये बताइए, ये रोड बना है और इस पे पानी का व्यवस्था कर दिया गया है स्विमिंग पूल का, स्विमिंग पूल का, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा खड़ा लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है। कोई भी आदमी आता दूसरे गांव से तो वो भी गाली देता है। अच्छा, वो भी बोलता है कि बहन जो कैसा लोग है, गांव का कैसा लोग है, प्रधान कैसा है, कैसा मतलब कुछ इसका सुनवाई नहीं है। दूसरे गांव के लोग आते हैं तो गाली देता है, वो भी इनाम के रूप में। हाँ, इनाम के रूप में। अच्छा, प्रधान को भी, हम लोग गाँव के लोग को भी इनाम मिलता है। तो क्या करेंगे, इतना बड़ा बड़ा चेंबर गांव में बैठा दिया है, इतना बड़ा बड़ा बोमा लगा दिया, किधर पानी निकालने कोई व्यवस्था नहीं किया प्रधान ने। कहीं कहीं स्लैब टूट गया, टूट गया है, कहीं कहीं तो स्लैब का घोटाला किया गया है। अरे लगता तो वही है ना, तभी तो ऐसा काम हो रहा है। जब ये यहाँ पर और लोग युवा हैं, अब थोड़ा सा इधर कैमरे को टर्न कर दीजिए, युवाओं से पूछेंगे शायद जवाब नहीं मिलेगा। देखिए भाग रहे हैं, ऐसे ही लोग जब भागते हैं कि प्रधान जी क्या करेंगे, ऐसे लोगों को चुतिया बनाएंगे, वोट मांगेंगे, उसके बाद 5 साल ऐसे ही डुबोएंगे। ये लोग जब भागेंगे तो डूबना इन्हीं लोगों को है, हमको तो भैया आ जाए हैं, अभी इधर से निकलेंगे, जाके घर धुलवाएंगे पैंट वेंट एकदम आराम से चमका के, फिर हम घूमना चालू कर देंगे। कैसा लग रहा है चाचा? सब ठीक लगा था बाबू, जब जनता चाहता ना तब ठीक लगा था। जनता चाहता कि एम डूब के मुई, एम डूब के मरी, एजिया के जवान बाटे, मेहरारू जवान बाटे के प्रधान के एकदम सहबू बाड़ी, फिर काटिंग करे लगा तैयारी। अच्छा, प्रधान जी यही बात यहाँ होता, फलाने हम कहता ना तो वो कहता ना रम कटोरी गांव आग लगो ले वाली। अच्छा, ये कुल बात बा, प्रधान जी लगे मना एजिया से रिकॉर्डिंग को के भेजा जाता है। हाँ, एजिया हमनियो का एल्बम जे बनाओ तो हमनियो को भेजा दे। हाँ साहब, हम हो बनाओ तानी, हो बनाओ तना, हो बनाओ तना, गांव भर के कर नाव धरी नहीं। ठीक बा, जनता का जो सेवा करने का 5 साल का जो समय दिया जाता है प्रधान को, 5 साल में कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए। ये कार भोल बाटे, देखिए 2 साल स्विमिंग पूल बना दल गल बा, के में तैरत आओ तैरत जा। 2 साल से बाटे ही बताइए। हाँ, 2 साल हो गया, आई लोग युवा हैं, आई लोग बोल नहीं रहे हैं, डर रहे हैं, कहीं ना कहीं डर रहे हैं। नहीं, हम नहीं डरते किसी। कहाँ और लोग भाग गए हैं, दिखा दीजिए थोड़ा सा चमकता हुआ चेहरा एकदम लोगों का, ये लोग डर रहे हैं कहाँ से, जब युवा पीछे हो जाएंगे ना तो वही डूब जाना है, वही डूब जाना गाँव का। ये बताइए आप लोग कभी पूछे हैं कि प्रधान जी यहाँ पर पानी क्यों लग रहा है इतना? बहुत बार बोलते हैं बजट नहीं है, और कहते हैं बजट आएगा तब काम होगा, तो बजट आया होता तब काम कराए होते, उससे पहले क्यों कराए काम? जब बजट नहीं था तो क्यों काम कराया? प्रधान जी जो है बजट नहीं आया और काम भी करा दिए हैं, इसमें स्विमिंग पूल बनवा दिए हैं, आगे जाके जो है सीवर वगैरह ऊंचा ऊंचा करवा दिए हैं कि इधर से कोई गाड़ी ना जा पाए, और जो जाए भी तुलट पलट के हाथ पैर लोग तोड़ लेते हैं और उसके बाद घर जाते हैं। और समस्या क्या है ना, जहाँ जहाँ पानी निकासी तब आने के लिए वो सब बंद हुआ है, प्रधान इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये सब गांव का पानी गांव में ही आ रहा है, सब रोड पे ही आ रहा है, जितना जितना सरकारी नाला था पानी बहाने के लिए सब बंद किया गया है। प्रधान के पास जाते हैं तो प्रधान सुनते ही नहीं है, बोलते हैं अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा, कब बनेगा? यही बात है, गाँव का पानी गाँव में ही आ रहा है। चलिए प्रधान जी जो है गांव का जो समस्या है प्रधान जी नहीं सुनते हैं, लोग कह रहे हैं कि अब बनेगा, कब बनेगा, और जब मैं प्रधान जी को फोन किया तो प्रधान जी कह रहे हैं, मैं बताया कि मैं फला पत्रकार बात कर रहा हूं, प्रधान जी आपके गांव में ऐसी ऐसी समस्या है, थोड़ा सा आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधान जी कह रहे हैं कि अभी मैं बाबा धाम जा रहा हूँ, आपके बातों को नहीं सुना जाएगा, पत्रकारों की भी बातों को टालते हुए नजर आ रहे थे, तो आम जनता के साथ क्या कर रहे होंगे जरा सोचिए, ऐसे प्रधानों के बारे में क्या सोचते हैं। और विजुअल में इस गांव का मैं पूरा वीडियो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, और प्रधानों के बारे में क्या सोचते हैं ऐसे जो प्रधान जी लोगों को वोट करते हैं और 5 साल तक आप चुपके से अपने घर में बैठे रहते हैं और अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं। अपने अधिकारों को समझना होगा, आगे आना होगा और प्रधानों से जवाब मांगना होगा, जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगना होगा कि आखिर मेरे गांव में विकास क्यों नहीं हुआ, आखिर विकास क्यों रुका है, विकास का जो कार्य है वो क्यों रुका है। जब आप जवाब मांगना शुरू कर देंगे, आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जब अपने अधिकारों का आप समझ लेंगे कि हमारा अधिकार क्या है, उसी दिन से विकास होना शुरू हो जाएगा। बाकी इस जो है लक्ष्मीपुर गांव से मैं था, दिखा रहा था आपको, और इस गांव के बारे में क्या सोचते हैं, इस गांव के प्रधान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा, और इस वीडियो को करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये गांव जो है 8वां अजूबा से कम नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।